विदिशा जिले के गंज बासोदा का बस स्टैंड कई समस्याओं से जुड़ा रहा है। प्रशासन और राजनेता मौन है। बस स्टैंड पर मुसाफिरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बोल्डर डाल डाल कर गड्ढे भर दिए गए। रोज वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं। मुसाफिरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ महिला शौचालय नहीं होने से उन्हें सबसे अधिक दिक्कत आती है। जब इस संबंध में नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी आर के नेमा से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने बताया, अभी मैं बाहर हूँ। नगर पालिका सीएमओ लंबे समय से अवकाश पर गए हुए हैं। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गंज बासोदा के बस स्टैंड पर जो कि समस्याओं का अंबार बना हुआ है, इसी तारतम्य में आज हमारे नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता वरिष्ठ पत्रकार सोदान सिंह यादव जी से चर्चा करेंगे। हम बस स्टैंड की अनियमितताओं के लिए, यहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है, यात्रियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड की व्यवस्था का संचालन नगर पालिका परिषद के अंडर में आता है और नगर पालिका के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि, उनकी लापरवाही के कारण ये दुर्दशा हो रही है। जैसे प्याऊ है, जैन मिलन द्वारा प्याऊ का निर्माण कार्य किया गया, पिछले एक वर्ष से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यात्री परेशान होते हैं, एक भी शौचालय बाथरूम ये नहीं है, यहाँ पर महिलाओं को और सभी को परेशानी से जूझना पड़ रहा है और अवैध निर्माण भी इस बस स्टैंड पे हो रहे हैं। इसके साथ पानी निकास के कोई रास्ते इस बस स्टैंड पे नहीं है। बस स्टैंड के नाम पर जो है गुमठी वालों से, दुकान वालों से नगर पालिका टैक्स तो वसूलती है, लेकिन उनको सुविधाएं क्या दे रही है? वो हर चीज़ से परेशान है, पूरी गंदगी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा है, नगर पालिका के पास भारी संख्या में सफाई कामगार हैं लेकिन वो सफाई नहीं करते, पानी की व्यवस्था नहीं है, हर चीज़ की जो है बहुत संकट है और इसके लिए मैं नगर पालिका के अधिकारियों को दोषी मानता हूँ। जैसे आप भी भाई साहब प्रतिपक्ष नेता रहे, आपने भी काम देखा है, हाँ, और इस संबंध में आपने भी ज्वलंत मुद्दे बार बार उठाए हैं, क्या इस समस्या को आप अवगत कराएंगे? मैं नगर पालिका का नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ, दो बार पार्षद भी रहा हूँ और मैंने समय समय पर ये मुद्दा उठाए, लेकिन नगर के राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके संरक्षण में ये सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं और राजनीतिकरण हो गया है प्रशासन का पूरा। प्रशासन में बैठे अधिकारी जो नेता कहते हैं वही करते हैं, यही कारण है कि ये बस स्टैंड की दुर्दशा हो रही है। नगर पालिका साफ सफाई भी नहीं करवा रही है, इस बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, जगह जगह कचरे के नहीं, पूरा शहर जो है गंदगी से पटा पड़ा है, चारों तरफ बस स्टैंड के जो देखो नदी गटर नाले सब जो है बुरी हालत में है, लोग परेशान हैं, मच्छर भनभना रहे हैं, गंदगी से पटा पड़ा है और बेचारे ये दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि इन्हें भी बीमारी और कुछ भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें देखने चाहिए प्रशासन को और सुविधा मुहैया कराने चाहिए। हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सोदान सिंह यादव जी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।